मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने पढ़ा देंगी क्यों बेटा? आपकी टीचर ने आपको कुछ भी नहीं समझाया? मैं समझाया तो था लेकिन मैं भूल गया। बेटा मैं तो बहुत बिजी हूँ, अबू के पास जाके उनसे पूछ लो ना। ठीक है अम्मी। अबू कल मेरे मैथ का इम्तिहान है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे पढ़ा देंगे? बेटा मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ और ऑफिस का भी काम है, मैं आकर आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है अबू। जल्दी से आ जाइए। या अल्लाह ये क्या हो गया?
सर जी मम्मी ठीक रही है। सर ये सब कैसे हुआ? आज अब्दुल रहमान का रिजल्ट था जिसमें वो फेल हो गया और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए था। ये मेरी ही गलती है। अब्दुल रहमान मुझे कह रहा था कि मुझे पढ़ा दे मगर मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। अब्दुल रहमान मुझसे कह रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से फेल हो गया। उस्ताद के साथ साथ वालदैन की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें। बच्चों के वालदैन सोशल मीडिया पर इतने मगन रहते हैं कि वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते और वो मोबाइल फोन के लिए हवा पानी और खाने की तरह है जिसके बगैर वो नहीं रह सकते। तमाम वालदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दे। शुक्रिया। सोशल मीडिया पे आप जरूर मसरूफ रहें लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी जरूर तवज्जो दें। सिर्फ टीचर्स ही जो हैं उनकी मेहनत से नहीं कामयाबी मिलती, पेरेंट्स की भी कोऑपरेशन होनी चाहिए।